माय चैनल मिस क्यूरियोसिटी। तो आपका आज दोबारा से मैं वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है। आज मैं करने वाली हूँ 3 AM ब्लरी मैरी चैलेंज। बहुत सारे लोगों ने ये चैलेंज कर लिया है, मेरे से बड़े बड़े यूट्यूबर्स ये कर चुके हैं और मोस्ट ऑफ देम उसमें से लड़के ही हैं। बहुत ही कम लड़कियों ने ये चैलेंज जो है एक्सेप्ट किया है, बट लड़कियों को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच कि मेरे चैनल पे 10 डेज़ के अंदर ही, 10 to 15 डेज़ के अंदर ही 126 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मैं बहुत खुश हूँ। अभी थोड़े दिन, एक दो दिन पहले YouTube का मेरे पास मैसेज आया था कि 100 सब्सक्राइबर्स जो हैं मेरे पार हो चुके हैं और मैं बहुत खुश थी उस वक्त कि इतनी जल्दी मैंने आप लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट ले लिया और इतने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर हो गए। मैं बहुत ज़्यादा दिल से आपको थैंक यू बोल रही हूँ। अगर आप लोग नहीं होते तो ऑब्वियसली अभी तक यहाँ तक मैं वीडियो नहीं बना पाती और गिव अप कर चुकी होती। तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि ब्लडी मैरी चैलेंज जो है, आखिर ब्लडी मैरी थी कौन और उसकी स्टोरी क्या है। तो ब्लडी मैरी चैलेंज करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आखिर उसकी क्या स्टोरी है, उसका नाम ब्लडी मैरी क्यों पड़ गया। कहते हैं कि उसका नाम मैरी था और वो एक जगह पर रहती थी और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। जब उसकी शादी हुई, शादी के थोड़े साल तक उसको बेबी नहीं हो रहा था। काफ़ी ट्राई हुआ बट नहीं हुआ उसका बेबी। तो एक दिन वो एक तांत्रिक के पास गई और उससे पूछा कि मेरा बेबी क्यों नहीं हो रहा है। तो उसने बोला कि तुम्हारा कभी भी बच्चा नहीं हो सकता है। ये चीज़ सुन के वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई और उस वक्त वो कुछ भी करने को तैयार थी ताकि उसको एक बेबी मिल जाए। वहीं पे किसी ने गांव में से उसको बोला कि तुम भूतों की पूजा करो, डेमन्स की पूजा करो। तो उसने ये चीज़ स्टार्ट कर दी, वो भूतों की पूजा करने लग गई और इन सब काला जादू इन सब में बहुत ज़्यादा बिलीव करने लग गई। तो उसको एक बच्चे की बलि चढ़ानी होती थी हर अमावस्या की रात को। ऐसे ही वो हर अमावस्या की रात जब आती थी वो एक बच्चे की बलि चढ़ा देती थी। पर एक दिन अमावस्या की रात पे वो जब एक बच्चे की बलि चढ़ाने वाली होती थी, गांव वालों को ऑब्वियसली लग रहा था कि उनके बच्चे आखिर कहाँ जा रहे हैं, तो किसी ना किसी पे शक जाना ही था। तो उन्होंने उसको ये चीज़ लाइव करते हुए पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब मैरी ने देखा कि हर जगह गांव वाले हैं, तो वो वहाँ से बच्चे को वहीं पे छोड़ दिया, उसने वहीं पे घेर दिया और वो भागने लग गई। घेरने के बाद वो वहाँ से बहुत ज़ोर की भागने लगी। गांव वालों ने बच्चे को फटाफट से उठाया और उसके पीछे भागे। फिर एक जगह पे आके बिल्कुल गांव के बीचों बीच सारे गांव वालों ने उसको घेर लिया वहीं पर और उसको एक वहाँ पर जगह पर बांधा और उसको ज़िंदा जला दिया। ज़िंदा जब उसको जला रहे थे वो बहुत चीख रही थी कि मुझे बचाओ, मैं ऐसा नहीं करूँगी, दोबारा नहीं करूँगी। बट उसकी किसी ने नहीं सुनी क्योंकि उसने बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ा दी थी। जाते जाते उसने ये श्राप दे दिया था कि वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। तो ऐसा कहा जाता है कि रात को अगर 3 बजे हम मिरर के सामने कैंडल जला के 3 बार ब्लडी मैरी बोले तो चांसेस हैं उसकी आत्मा की जो प्रेजेंस है वो आसपास आने के। अभी तक इतना ज़्यादा नहीं दिख पाया है, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है, इतना ज़्यादा नहीं हो पाया, बट थोड़ा बहुत उन्हें लगा है कि थोड़ी बहुत प्रेजेंस या फिर नेगेटिविटी आई है। तो आज वही मैं चेक करने वाली हूँ। अभी रात के 12:58 हो रहे हैं, यू कैन सी 12:58 हो रहे हैं और अभी मेरे घर पे कोई भी नहीं है। आज अगर होता तो ऑब्वियसली मेरे मॉम डैड मेरे को ये चैलेंज नहीं करने देते, उनको नहीं पसंद कि मैं ये सब चैलेंज भूत वाले करूं, कौन चाहेगा ऑब्वियसली। तो अब जब 3 बजेंगे रात के तो फिर मैं स्टार्ट कर दूँगी ये चैलेंज। तब तक वेट करते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं सो गई थी एंड अब मैं उठ गई हूँ एंड इट्स ऑलरेडी 2:54 कैन सी दिस, इट्स ऑलरेडी 2:54 एंड अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना चैलेंज ब्लडी मैरी। एंड अभी जो हमें चीज़ें चाहिए और क्या क्या करना है उसके लिए मैं वो सारा जो भी है सामान वो आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मेरे को ये कैंडल जलानी है प्रोसीजर के लिए हमारे। फिर तो मैंने इसको कटोरी में इसलिए रख लिया ताकि जो मोम है वो मेरे पे ना गिरे। तो हम चलते हैं। तो अब इसके लिए मेरे को मेरे पूरे घर की लाइट्स वगैरह ऑफ़ करनी पड़ेगी, तो मैं लाइट्स ऑफ़ कर देती हूँ।
तो अब इसके लिए मैं लाइट बंद कर देती हूँ अपने घर की सारी लाइट बंद। ओके सो गाइस मैं आ चुकी हूँ मेरे के आगे और ये मेरी दोनों है। स्टार्ट करते हैं। ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी। ओके अभी तक कुछ हुआ नहीं है उसे। ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी। तो पता नहीं अभी क्या हुआ, मैं यहाँ पे ब्लडी मैरी इतने में गई थी तो यहाँ पे मेरी लीड गिर गई और पता नहीं मेरा कैमरा भी फोकस खो रहा है अपने आप ही। आई डोंट नो, मैंने यहाँ पे अपनी सारी लीड्स वगैरह मैं रखती हूँ और एकदम से ऐसे नीचे गिर गई तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है। अभी मैंने अपनी कैंडल साइड में रख दी है। ये कैसे गिर गए, ये तो बहुत ज़्यादा हैवी है। तो मेरी लीड, ये टेडी बेयर कब आ गया यहाँ पे? मेरे को लगता है ये चैलेंज मेरे को बंद करना पड़ेगा। मेरा कैमरा भी पता नहीं एकदम से फोकस क्यों खो रहा है। कैंडल वगैरह सब बुझा दी है और यहाँ मेरी लीड वगैरह मैंने सब कुछ उसकी जगह पे रख दिया। एंड मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा डर गई हूँ कि घर पे कोई है नहीं और मेरा टेडी बियर और मेरा एक छोटा सा था वो गिर गया और लीड भी गिर गई और कैमरा भी फोकस खोए जा रहा है। तो अभी देखते हैं और थोड़ी देर तक फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि यहाँ तक ये सब हो जाएगा, चाहे ये छोटी चीज़ें हैं और बट इट वॉज़ रियली स्केरी फॉर मी। अब पता मैंने अपनी घर की सारी लाइट्स वगैरह सब ऑन कर दिया है ऑलरेडी, सब ऑन कर दिया है मैंने। मैं लिटरली मेरे को स्वेटिंग हो रही है ऐसे और डर के मारे रियली शॉक्ड। तो ऑन वन सब कुछ कर दिया मैंने, अपनी कैंडल्स मैंने उसी वक्त ब्लो कर दी थी क्योंकि वहाँ रखने की जगह नहीं थी। तो जैसे मेरी वहाँ पे लीड, वैसे आज तक कभी नहीं हुआ कि मेरी लीड गिर जाए। ज़्यादातर जब फैन चल रहा होता है या कूलर चल रहा होता है तो हवा से वो गिर जाती है, बट ऐसे कभी भी मेरी लीड नहीं गिरी। एंड तब देखा तो टेडी बियर वहाँ नहीं था, बट एकदम से वहाँ पे टेडी बियर आ गया और ऊपर से मेरा एक टेडी बियर के साथ में था एक छोटा सा, वो भी नीचे गिर गया। और मैं मेरा इस वक्त दिल इतना ज़्यादा धड़क रहा है एंड आई एम रियली रियली शॉक्ड। और मैं इस वक्त मॉम डैड को इतना ज़्यादा कर रही हूँ याद कि होते इस वक्त घर पे। बाकी लाइक सी व्हाट हैपेंस, बट मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा कुछ होना चाहिए। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि मैं आगे बहुत बात करना चाहती थी बट मेरे से नहीं हो रहा। लाइक यानी मेरा हाथ इस वक्त शेक हो रहा है डर के मारे एंड आई डोंट नो वॉट टू डू। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई मॉम डैड टू कम होम एज सून एज पॉसिबल। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब आप सब्सक्राइब करें, तब तक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।